Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friends and welcome to YouTube channel Civil Surveyor. Umeed karta hoon ki aap log khairiyat se honge. Inshallah aaj hum log seekhenge ke L shape ki jo wall hai uski foundation ki quantity kaise maloom karte hain. Isse pichli video mein hum logon ne L shape wall ki excavation maloom ki thi. Aaj inshallah usme hum log PCC ki quantity maloom karte hain foundation mein. To यहाँ पे हमने एक्सकेवेशन कैलकुलेट किया था. आप देख सकते हैं कि हमारे जो एक वाल है उसमें 108.75 सीएफटी क्वांटिटी आई थी और जो दूसरा वाल है उसमें 75 सीएफटी क्वांटिटी आई थी इस फार्मूले की मदद से. अभी अगर आप लोग चाहें तो यही फार्मूला एक्सकेवेशन पीसीसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं. सेम फार्मूला आप लोग पीसीसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन एक दूसरा तरीका है शॉर्ट मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं. अगर आप लोगों ने हमारी स्ट्रेट वॉल की वीडियो नहीं देखी तो आप लोग वो देखे, आप लोगों को बखूबी समझ आ जाएगी शॉर्ट मेथड का जो तरीका है वो कैसे है. तो जो टोटल क्वांटिटी है उसको हम लोग ने दो पे डिवाइड किया है और उसको 0.75 फीट से या 9 इंच से मल्टीप्लाई किया है. तो जो क्वान्टिटी बनी है पीसीसी की वो 68.90 बनी है. अब 0.75 क्या है ये आप देखे सेक्शन में, ये 0.75 फीट यानी 9 इंच हमारी फाउंडेशन में पीसीसी की डेप्थ है या हाइट है. टोटल एक्सकेवेशन हमने की थी 2 फीट और इसमें जो पीसीसी की डेप्थ बनती है वो 9 इंच की बनती है. तो इसलिए हम लोगों ने इसको 0.75 से मल्टीप्लाई किया तो क्वांटिटी जो आई है वो 68.9 आई है. अभी कैलकुलेटर से इसको मैं आपको चेक कराता हूं. ये देखिए 183.75 डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई इसको करे 0.75 से तो जो क्वांटिटी बनी है वो 68.906 बनी है सीएफटी में. तो फ्रेंड उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये शॉर्ट मेथड की समझ आ गई होगी. टोटल जो इक्वेशन होती है उसको दो पे आप डिवाइड करें और उसको पीसीसी की थिकनेस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्वान्टिटी कैलकुलेट हो जाएगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो दो स्टेप से इसकी क्वांटिटी ब्रेक पर की कैसे मालूम करते हैं. तो जुड़िए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.